अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैंने रात के व्लॉग की एंडिंग अभी ली हूँ, रात में हुआ नहीं था मुझसे लेने के लिए, सब लेट हो गया था। तो और अभी मैंने नमाज़ हो गई मेरी तहज्जुद की, आज मैं अकेली हूँ, बच्चे नहीं हैं और यानी कोई भी नहीं है आज मेरे साथ में, मैं अकेली हूँ। लेट हो गया है मुझे, लेट तो ऐसे भी रोज़ होता है, लेकिन आज मैं खुद अकेली थी तो सब काम स्लो स्लो करी। अभी दूध भी गर्म करने रखी हूँ, चाय भी बन रही है, फटाफट मेरे लिए पराठे बना लेती हूँ, चाय भी ज़्यादा नहीं बनाई आज। एक्चुअली में नमकीन कुछ भी नहीं है, टमाटर की चटनी भी नहीं है बनी भी, और टाइम तो ज़्यादा हो गया तो मैं बना भी नहीं सकती अभी टमाटर की चटनी। तो हम खाएंगे आज चाय पराठा, अपने लिए जूस बना के आई हूँ, कुछ था नहीं तो वाटरमेलन का लेके आई हूँ, वाटरमेलन का ये शरबत बना लेंगे। और फिर रात में लोग बाहर गए थे तो मेरे लिए लेके आए थे, क्या मालपुआ लेके आए थे, मैंने बोली थी तो अभी खाएंगे वो। ये देखिए मेरी सहेली रेडी हो गई है, चाय पराठा बन गया है, यहाँ पे वाटरमेलन का शरबत बनाई हूँ, और बस अभी हम लोग सहरी कर, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, फटाफट मैं सहरी कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। सहरी का टाइम हो गया है ख़त्म, काफ़ी टाइम से हो गया था, मैं किचन में चली गई थी क्योंकि उधर रोटी बना के मैंने सब वैसे ही छोड़ दी थी, और पेट भी मेरा बहुत फूल गया था क्योंकि मैंने पानी 2-3 गिलास पी ली, इन 2 गिलास शरबत पी, 1 गिलास पानी पी। गले में ना इन्फेक्शन की वजह से मैंने जो टैबलेट्स वगैरह और जो भी गर्म चीज़ खाई ना गला ठीक करने के लिए फटाफट, तो उसमें ना गला तो ठीक हो गया लेकिन गले में ना पूरा जैसा छील जाता है ना वैसा हो गया था, पूरा तकलीफ़ हो रही थी कल से, रोज़े में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो रात में तो कुछ भी नहीं करी क्योंकि आने के बाद मैं बहुत लेट हो गया था और सब थक गए थे, ऐसा हो रहा था बस सो जाना, और मेरे को सुबह की फिक्र थी कि मेरे को सहरी के लिए उठना है क्योंकि मैं अकेली ही थी, बाकी सब नहीं थे, तो मैं बोली फिर मैं कभी उठ पाऊँ नहीं तो फिर परेशानी परेशानी तो कुछ नहीं, बिना सहरी का रोज़ा रखने का रोज़ा तो छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं कुछ भी रात में ही नहीं करी, फिर सुबह सुबह भी उठी थी तो सब नमाज वगैरह के बाद में मैंने 1 गिलास गर्म पानी के मैं अपनी गार्गल करती हूँ, तो गार्गल करने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो जाने दे 1 गिलास गर्म पानी ही पी लेती हूँ। तो फिर वो उस यानी सहरी बनाने में इसमें टाइम नहीं हुआ तो मैंने उसको ढक के रख दी थी, मैंने कि अभी सहरी का टाइम जब ख़त्म होगा जब पानी पीऊँगी जब मैं वो पी लूँगी गर्म पानी पी लूँगी, तो ऐसा करके 3 गिलास पानी हो गया तो बहुत ये हो गया था, इसलिए मैंने खड़े रहे उधर रोटी के फोल्ड कर ली पराठे के लिए, और नमाज का टाइम भी हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो नमाज भी पढ़ लेती हूँ, और बाहर गर्म भी बहुत हो रहा है तो अंदर जाते हैं ऐसे में नमाज भी पढ़ लेते हैं और फिर सो जाऊँगी मैं, वो फिर बाद में उठूँगी। तो चलिए जाते भी अंदर, मैं उड़ गई हूँ अभी, ये देखो बच्चे भी उड़ गए हैं, अली और माधवी का मेरा क्लास क्लास हो रही पढ़ाई करने बैठी है, उसका वो नाश्ता वगैरह हो गया है। इतने बड़े से वो बाज़ार ला के देते हैं ना, अभी बाज़ार निकालती बाद में पहले ऊपर जाके देख के आती है लोग क्या कर रहे हैं। अली रुको, स्लीपर पहनो पूरे, और नाश्ता वगैरह लोग का सब हो गया है, पहले मशीन लगाती हूँ ऊपर जाके आती हूँ फिर बाज़ार निकालते हैं। अभी आ गई हूँ किचन में, मैं सब बाज़ार निकालती हूँ, बाज़ार आया था टाइम हो गया, मैं ऊपर ऊपर सब मेहमान है और हम लोग सबके सारे साथ में ही बनते हैं, तो हम लोगों को कुछ भी बाज़ार लाएंगे तो ज़्यादा लगता है, हम डेली नहीं लाते हैं, ला के थोड़े दिन का साथ में रखते हैं, 2-4 दिन 8 दिन जैसा, 4-8 दिन तो नहीं चलता है लेकिन 2-4 दिन एक साथ में ला के रखते हैं बाजार। बाज़ार निकाल दिए, लेग पीस मंगाए हैं इफ्तारी के लिए सबके लिए, तो बस अभी ये निकालते हैं फिर साफ करते हैं। ये लेग पीस साफ करके हो गए, अब इसको मसाला लगाएंगे, अब भी इधर चिकन साफ करने बैठे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, ग्रेवी के लिए चिकन साफ कर दी अपने, अभी मैं ग्रेवी बना देती हूँ, इधर राइस बन गया है मेरा, थोड़ा ही बनाना है बच्चों के लिए बस,
यहाँ पे ग्रेवी बना लेती हूँ फटाफट, फिर 2 बजने आए हैं ना, तो ग्रेवी बनाती हूँ फिर नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। तो हो गया यहाँ पे, वॉल्वो का खाना रख दी और मसाला इधर भुनने रखी हूँ, मसाला भुन जाएगा तो फिर चिकन डालती हूँ। साबुदाना भिगाई थी तो अभी आज नहीं करेंगे, कल बनाएंगे क्योंकि बच्चे अभी शाम में शायद बाहर जाएंगे खाने इफ्तारी के बाद में, तो बस अभी चिकन बना लेंगे और ये चिकन में जाके अभी रख के आ जाती हूँ अंदर। इस तरीके से ऐसा कट मार लेंगे हम लोग, कट कर लगा देंगे इसके ऊपर लेग पीस पे ताकि मसाला ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। और अभी हमारी इधर मसाला कट लगा रही है, ठीक है जब तक मेरा सालन मेरा भून के हो गया है, अभी चिकन डाली हो, अभी थोड़ा मसाला और भून जाए तो फिर बच्चों को खाना दे दूँगी और मैं जाऊँगी फिर नमाज़ पढ़ने। नमाज अभी तक मेरी हुई नहीं है, फिर हो जाएगा, इन लोगों को खाना दे के फिर नमाज़ पढ़ते। चिकन लेग पीस को अभी हम मसाला लगाएंगे, उसके लिए हम हंग कर लेंगे, नहीं तो इस तरीके से डब्बे का जो दही रहता है वो लेंगे। सुबह से पढ़ाई कर रही है, सुबह से उसकी पढ़ाई चल रही है और ये बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं। अली का भी पेपर है कल, बिल्कुल अगर पढ़ाई करा हो तो, दीदी बच्चे आए हुए हैं तो बस बच्चों के पीछे ही है बच्चे से। देखो पूरा बैठ के क्या हालत कर दी है लोगों ने, बस टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चालू है उनका, उनका आराम है और एसी है। जाती हूँ इफ्तारी के बाद में सब साफ करती हूँ। बेटा एसी ऑफ कर दे उधर का भी, इधर का एसी ऑफ। ओके गैलरी का बेटा दोनों भी डोर लगा दे, गैलरी का और हॉल के डोर का। मैं जाती हूँ किचन में, अभी है चिकन फ्राई, मैं भी उसका हेल्प करती हूँ। देखो हम लोग इधर फ्राई कर रहे हैं, मैं इधर फ्राई कर रही हूँ अपनी इधर रोस्ट कर रही है। बटर लगा के अपने उसको रोस्ट कर रही है, देखो पानी हम लोग शरीर को अफजा बनाएंगे ऊपर के घर के लिए और हमारे घर के लिए। स्वप्निल आया होगा, हमारी चटनी रेडी है और मनीषा अब भी आई है। हमारे किचन की यह हालत है, देखो अब इधर अभी ये कर रही है, मुझे फ्रूट भी कट करना है
तो मैं चलिए अभी फ्रूट कट करने के लिए ऊपर चटनी देने जाना है, तो मैं पहले चटनी दे के आती हमारी इफ्तारी वगैरह हो गई सब, टेबल सब ऊपर भाग गए, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं दीदी हम लोग सब जा रहे हैं टेलर के पास में, बैठी हुई है नहीं अलमीरा भी नहीं, मनीषा ऐसे मनीषा आएगी बाद में। तो चलो पहले मैं जाती हूँ यहाँ से, अभी मैं इधर से जाती हूँ कपड़े नहीं रख के बाद में आके लेती हूँ ऊपर के। हम लोग हम बचपन से भी हमारे कपड़े यहीं सिलते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तब से बोलो बोलो कॉलेज में पढ़ती थी ना तब से। अब मालपुआ खा के बैठे सब, कल अब्दुल ने लेके आए थे मालपुआ, मुझे बहुत पसंद है। इन लोग गए थे कल तो इन लोग ने लेके आए थे मालपुआ, बच्चों ने हमने सबने मिलके खाए मालपुआ। अब इन लोग को फिर नहीं खाने की है, तो अभी जोमेटो से फिर नहीं मंगा रही है। और बस हम लोग के इफ्तारी वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद में हम लोग गए थे टेलर के पास में, टेलर के दीदी के कपड़े डालने का था आयन को। आयन को देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सिलाई को टेलर के पास से सॉरी, थोड़ा डाल के आए हम लोग सिलाई सिलने के लिए। और बस अभी बैठे हैं हम लोग, ये लोग मंगा रहे हैं अभी फिर नहीं, तो इंतजार करेंगे अभी फिर नहीं आने का। और बस अभी ब्लॉग भी एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर नहीं आने को अभी टाइम लगेगा, जब तक हम हमारा दूसरा कुछ काम कर लेते हैं और आराम आराम अलमिरा आराम करने का। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर, अभी हम लोग हमारा ब्लॉग ये एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, अल्लाह हाफिज़।